हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वर्षा गायकवाड़, उनसे बात करते हैं। वर्षा जी, इससे पहले वाली सरकार से पहले आप मंत्री थे, दोबारा फिर आप मंत्री बनाए गए हैं अब तो। इस गैप के बीच में जो बीच की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है देश के, राज्य के ऊपर, तो किस तरह से इसको काम करने में कितना मुश्किल पड़ेगा आप? देखिए, पहले तो आज मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय नेता सोनिया जी गांधी और युवाओं के हमारे प्रेरणा स्थान हमारे नेता राहुल जी गांधी, उन्होंने मुझे मौका दिया है। मेरे धारावी की जनता ने मुझे मौका दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो नेतागण हैं जो मुझे मार्गदर्शन करेंगे, चाहे वो खड़गे साहब रहे, वेणुगोपाल जी या हमारे बड़ा साहब, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसा आपने कहा कि हम अभी पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकलता है, उसके ऊपर क्या है, उसके हम काम करेंगे। और पिछले 5 साल छोड़ के पहले का जो अनुभव है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा महाविकास आघाड़ी की सरकार को और आगे जाने के लिए काम करने के लिए लेके जाएंगे, इसे मैं समझ। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि आज अलग अलग सवाल है, आज युवाओं का सवाल अलग है, महिला सुरक्षा का सवाल अलग है, आज आर्थिक मंदी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। आज बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। प्राथमिकता हमारी है कि प्रगत महाराष्ट्र को उद्योग में आगे लेके जाए, महिला सुरक्षा में आगे लेके जाए, आज शिक्षण में आगे लेके जाए, अलग अलग विषयों में हमको काम करना रहेगा और उसमें हम काम करने की कोशिश। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है वर्षा गायकवाड़ जो बता रहे थे कि महिलाओं के लिए ये काम करेगी। इसमें मुंबई से वसीम हैदर।